हरियाणा के मेवात नूह इलाके में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकालने के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई। हिंसा में दो होमगार्ड समेत चार लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मामले में अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस थाना, अस्पताल, मस्जिद, मंदिर सहित सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले कर दिया। यह हिंसा मेवात नूह से शुरू होते होते सोहना गुरुग्राम तक फैल गई। मामले को बढ़ता देख राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद ली, जिसके बाद हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई। वहीं अब बजरंग दल और विहिप की रैलियों पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि हेट स्पीच जैसी कोई वारदात ना हो। हालांकि कोर्ट ने किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल हरियाणा के 6 जिलों में कर्फ्यू लागू है। इसके साथ ही नूह में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कैसे फैली हरियाणा में हिंसा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंसा फैली कैसे। दरअसल बजरंग दल का कार्यकर्ता और गौर रक्षक के तौर पर काम करता है मोनू मानसी, जिसने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर बताया कि 31 जुलाई को एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा। इसके साथ ही मेवात के सभी मंदिरों में जाने की बात कही गई। इसके साथ ही मोनू मानसेर ने कहा कि वो खुद भी इस यात्रा में शामिल होगा। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की, जय हो, जय हो। आपकी याद के लिए बता दें कि ये वही मोनू मानसेर है जो जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी है। उसके बाद जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर पता चली, तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मोनू मानसेर को अंजाम भुगतने की धमकी दी। हालांकि मोनू मानसेर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गौ रक्षक के शामिल होने पर तनाव काफी बढ़ गया। नूह में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा और पथराव किया। देखते ही देखते इलाके में हिंसा फैल गई। वही पूरे मामले पर नूह से कांग्रेस विधायक अफताब अहमद ने बयान देते हुए कहा कि इंटरनेट पर विवादित वीडियो वायरल होने से हिंसक घटनाएं हुई है। यहाँ यात्रा पहले भी निकलती थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों धर्मों के लोग शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक साजिश के तहत वीडियो बनाकर मोनू मानसेर और बिट्टू बजरंगी ने वायरल किया है। इसके चलते यहाँ का माहौल खराब हुआ और हिंसक घटनाएं हुई। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से नाकाम रहा। हिंसक घटनाओं की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वही मोनू मानसेर ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। मोनू मानसेर का कहना है कि वो कोई उकसाने का काम नहीं किया है, उस यात्रा में वो था ही नहीं। हिंसा में मुस्लिम विधायक मामन खान जिम्मेदार है। बड़ी साजिश की आशंका। वही हरियाणा हिंसा को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। वही हरियाणा हिंसा के लिए डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने यात्रा निकालने वालों को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालने वालों ने स्थानीय प्रशासन को यात्रा की पूरी जानकारी नहीं दी, इसलिए हिंसा भड़की। क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें।
हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी दावा किया कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे कौन है, हम इसकी जांच करेंगे और हर जिम्मेदार व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नू में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों से ही जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वही मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में हिंसा हो रही है, पीएम इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जब वीडियो की जानकारी सभी को थी तो फिर मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर नूर जैसे संवेदनशील इलाके में शोभा यात्रा की इजाजत क्यों दी गई? अगर इजाजत दी भी गई तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? शोभा यात्रा से पहले जब दोनों ओर से धमकी दी जा रही थी तब किसी ने भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मोनू मानसेठ जो हत्या का आरोपी है, खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे डाल सकता है?